प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ वचन लेकर आए हैं, जो ये वचन आपको हर समय आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी हर एक परिस्थितियों में काम देगा। तो मेरे दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हम उससे पहले आप लोगों से जानना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन सचमुच में काम करता है। आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बोलें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला वचन को देखते हैं। पहला वचन है भजन संहिता अध्याय 23 पद संख्या 1। यदि आपके जीवन में धन की घटी कमी हो या आपके जीवन में कोई भी चीज़ की घटी कमी हो, तो आपको हमेशा इन वचनों को याद रखना है और इन वचनों को बोलना है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी ना होगी। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला, हमारे जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए प्रभु हमें देता है। आपको इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ों की पूर्ति करने वाला यहोवा ही है, इसलिए हम उसी पे भरोसा रखेंगे और आपको उसी पे भरोसा रखना है। मेरे दोस्तों, आपको कभी भी किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे जीवन में सारी चीज़ों की पूर्ति यहोवा ही करता है। इसलिए आपको विश्वास के साथ हर एक परिस्थितियों में, अगर आपके जीवन में कोई भी घटी कमी है, तो इन वचनों को बोलना है, प्रभु आपकी हर एक घटी कमी को जरूर पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, दूसरा वचन है यशायाह अध्याय 53 पद संख्या 5। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसे तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी अशांति है, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्याएं हैं, अगर आपके जीवन से कोई भी बीमारी जा नहीं रही, तो हमेशा आपको इन वचनों को याद रखना है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु ने जब हमारे लिए कोड़े खाए, क्रूस पर जान दिए, तो उन्होंने हमारे सारे दुखों को, सारे बीमारियों को क्रूस पर लेकर चले गए। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन से हर एक बीमारी को दूर कर दिए। अगर आप इन वचनों को हमेशा विश्वास के साथ बोलेंगे कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप चंगे हो जाएंगे। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, प्रभु का वचन ही काफ़ी है। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन सामर्थ्य है, अगर आप लोग विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके जीवन में यह वचन हमेशा और जरूर कार्य करेगा। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या 15। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप हर एक परिस्थितियों में इन वचनों को याद रखते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आता है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आता है, तो अगर आप इन वचनों को हमेशा याद रखते हैं कि प्रभु से, आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उन संकटों से अपने दूतों को भेजकर आपको निकालेगा। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार पेत्रुस को जेल में से अपने दूतों को भेजकर निकलवाया था, मेरे दोस्तों उसी प्रकार प्रभु आपको उन संकटों से निकालेगा और आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे। अगला वचन है यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारियां हैं जो आपसे लड़, कोई भी शैतानी आत्मा है जो आपसे लड़ रही है, तो मेरे दोस्तों प्रभु का वचन कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मेरे दोस्तों, आपको इन वचनों को बोलना है, विश्वास के साथ अंगीकार करना है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वे मुझसे लड़ेंगे लेकिन वे मुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए आप मेरे साथ हैं, तो प्रभु आपकी हमेशा रक्षा करेगा और आपको विजय दिलाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इस वचनों को हमेशा जरूर याद रखें। अगला वचन है अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7। तुम्हारा भविष्य इतना उज्ज्वल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा साधारण लगेगी। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी कुछ भी आपके जीवन से चला गया हो, तो मेरे दोस्तों आप लोग प्रभु पर भरोसा रखें, या आपके जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी आप प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु हर एक चीज़ों को देने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। मेरे दोस्तों, किस तरह अय्यूब के जीवन से हर एक चीज़ चला गया था, लेकिन उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु ने उनका उन्हें दो गुना दिया। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन से कोई भी चीज़ चला गया हो, कोई भी चीज़ आपके जीवन में है नहीं, तो मेरे दोस्तों फिर भी प्रभु पर भरोसा रखें कि प्रभु आपके जीवन में हर एक चीज़ों को देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा साधारण लगेगी। मेरे दोस्तों, आप प्रभु से बोल सकते हैं, इस वचन के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपके वचनों में लिखा है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा साधारण लगेगी, तो प्रभु आपके भविष्य को उज्जवल करेगा, आपके जीवन में हर एक चीज़ों को, आपको एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा।
तो मेरे दोस्तों आप लोग हमेशा इन वचनों को याद रखें और प्रार्थना में इन वचनों को जरूर शामिल करें। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबों को जय मसीह की।